अस्सलाम वालेकुम गाइस, वर्ल्ड कप का एक और बड़ा अपसेट। नाज़रीन आपको बताते चले कि नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले के बाद 38 रन से शिकस्त दे दी है। पॉइंट टेबल पर बड़ी तब्दीलियाँ वाकई हुई हैं, इससे मतलब भी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में रसाई का रास्ता आसान बना दिया है शिकस्त ने। पाकिस्तान को अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देनी है और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में दो बड़ी तब्दीलियां वाकई होने जा रही हैं, आपको आगाह करेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन लाजमी दबा दें। पाकिस्तान टीम की स्ट्रीम पर प्लेइंग 11 में नंबर 1 अब्दुल्ला शफीक होंगे, नंबर 2 पर बाबर आजम के साथ ओपनिंग करने के लिए आएंगे, नंबर 3 पर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद होंगे, नंबर 4 पर साद शकील मौजूद होंगे, नंबर 5 पर इफ्तिखार अहमद मौजूद होंगे, नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद नवाज मौजूद हैं, नंबर 7 पर शादाब खान ऑलराउंडर मौजूद हैं, नंबर 8 पर उसामा मीर की वापसी होगी पाकिस्तान टीम में, नंबर 9 पर शहीन शाह अफरीदी पेसर बॉलर, नंबर 10 पर हारिस रऊफ पेसर बॉलर, नंबर 11 पर हसन अली को टीम में शामिल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम का रिकॉर्ड अभी तक तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एशियन पिचेस की वजह से पाकिस्तान को यकीनन एच होगा। आपके ख्याल में कौन सी टीम जीतेगी, लाजमी बताइए।